Gujarat MP Vitthal Radadia refuses to apologize for his action. He says that he acted in self-defense after being called a fake MP. Even as outrage grows over the Congress MP's brazenness in threatening a toll operator with a gun. Well, we spoke to Vitthal Radadia and this is his flimsy excuse. हमारे साथ है गुजरात से कांग्रेस सांसद विठल भाई जी जो लगातार इस बात का दावा कर रहे हैं कि जो भी उनके ऊपर आरोप लग रहे हैं टोल प्लाजा पर बदतमीजी के वो बेबुनियाद हैं. उन्हीं से बात करते हैं. विठल भाई, क्या है ये पूरा मामला? आपके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हो गई. हम तीन दिन पहले अहमदाबाद से सूरत में जा रहा था और रास्ते में करजन सा टोल नाका था, वेलेटी का टोल नाका है. वहां जो मेरी गाड़ी रुकी तो मैं सो रहा था, मेरा पीए आगे बैठा था, मेरा ड्राइवर चला रहा था. इसने बोला कि भाई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की गाड़ी उसका काट दिया. तो यहाँ का लोग ऐसा होता है जो बैठते हैं वो इंग्लिश के कोई जानता नहीं है, वो इसको दूसरे को बोलते हैं कि भाई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट क्या है. तो ये बोला कि कार्ड फर्जी है, कार्ड ऐसा तो कई लोग बोर्ड लगा के गलत कार्ड लेके सब निकलते हैं. तो अब वो कैसे, मैं नहीं जाने दूंगा. तो 10 मिनट हमारे पीए नीचे उतरा, पीए ने बताया कि मेरा कार्ड है, मैं इसका पीए मुसाफिर तो सो रहे हैं. तो भी ये नहीं माना. तो मैं नीचे उतरा, मैंने नीचे उतर के बोला कि मेरा कार्ड मैंने बताया खींचे पर्स पकड़ ने कि मेरा कार्ड है, तो आप भी फर्जी है, आप भी गलत, आप एमपी नहीं है. तो उसने उसका मैनेजर को, मैंने को बोला विजिट बुक लाओ मेरे को नोट करनी है. तो क्या नहीं, विजिट बुक हम नहीं देंगे, आप गलत है, गलत आदमी को हम सुनता भी नहीं. तो मैं इसके ऑफिस के पास गया तो यहाँ इसका सिक्योरिटी ये टोलनाक वाला क्या है कि कोई वाहन वाला जो मगजमारी करता है तो असामाजिक को रखते साथ में और उसको भाग दे देते. मैक्सिमम टोल नाका है वो, इसका मैनेजर, इसका जो मालिक है ये दिल्ली में बैठता है, बॉम्बे में बैठता है, अहमदाबाद में बैठता है और साइड पर उसका कोटा दे देता है दूसरों को कि भाई 10% लेकिन लेकिन वो कह रहे हैं आपने गन निकाला. आप बोलता हूँ और वहां मैं ऑफिस के पास गया तो यहाँ उसमें मैंने 10-12 आदमी को घेर लिया वहां सीसीटीवी कैमरा देखा. और मैं वहां से जल्दी निकलकर, मेरे को लगा कि मेरे को कदाच गलत बोले आप फर्जी है, आप फर्जी है. मैं बोला मैं एमपी हूँ तो किसी को पूछ ले, तो मेरी बात भी नहीं सुनता था. वो लोग ऐसा होता है, वो पगड़दार छोटे पगड़दार है और ये तुम्हारी कोई बात समझते हैं. आप गलत है, आप एमपी नहीं है, आप एमपी नहीं, आओ रूम में मैं पीएम बनाने को आपको. मैंने एक सिक्योर बोला कि आप एमपी है, मैं पीएम बनाने रहा हूँ. इसलिए मेरे को शंका की मेरे पे झगड़ा करके तो मैं गुस्सा आया और आपने गुस्से में गन निकाली. मेरी सलामती भी चाहिए ना, मैं मेंबर हूँ पार्लियामेंट हूँ और कोई ऐसा लोग है तो मेरे पर धोल धपाट कर ले तो मेरी चेती भी चली जाती. तो मैंने मेरी सलामती के लिए, मेरी सलामती के लिए मेरी गाड़ी में राइफल रखता हूँ. मैं सिक्योरिटी वाला नहीं रखता, कोई कोई मैं पुलिस का आदमी नहीं रखता हूँ, कोई नहीं रखता हूँ. मैं मेरी सलामती के मेरे पास में राइफल रखता हूँ और हर चीज को लाइसेंस मिलता है, अपनी कार में ही गन रखते है. और कितने लोग ऐसा है वो रिवॉल्वर यहाँ बांध के फरते है, कितने आदमी उसको लाइसेंस मिला तो रिवॉल्वर साइड में बांध के पीएसआई पीआई को रखते ऐसा ही रखते हैं. तो मैंने मेरी गन निकाली मेरी सलामती के लिए, मैंने उसे मारा भी नहीं है, मैंने कुछ ही ना इसमें आवाज नहीं किया है. तो मैं मेरी सलामती को गन ली है. तो मैं सलामती किस चीज से थी? वहाँ कुछ दंगा हो रहा था या आपके ऊपर कुछ अटैक? वहाँ सिक्योरिटी वाला इतना आदमी है तो किसी को मार लेता है, किसी को झगड़ा करता है. और हर टोल नाके में, आप कोई भी टोल नाके में जाओ, टोल नाके में गुंडागर्दी करने वाले आदमी इधर रखते हैं. और मैं मेरी सलामती के लिए मेरे गन लेके मैं गाड़ी में खड़ा रहा तो मेरे साथ घुसने आए. तो मैंने उसको बताया भाई आप मेरे बस में था और समाधान हो गया. समाधान होके मैं निकल गया तो भाई साहब जाने दो गाड़ी, तो मैं वहां से निकल गया. कोई दूसरा झगड़ा जिसने माफी मांग ली साहब हमारे आदमी की गलती होगी. लेकिन सवाल यहाँ पर यह है विठल भाई कि आप पब्लिक सर्वेंट हैं, आप एक एमपी हैं, क्या आपको लगता है कि सही तरीका था किसी को डराने के लिए गन निकालना? मैं जो हथियार लिया है वो मेरा पोरबंदर इलाका ऐसा है कि मेरी सलामती ने मैंने हथियार लिया है. हथियार में कोई व्यापारी हो कोई अच्छे आदमी को बताने के नहीं लिया है. जब मेरे को लगता है कि मेरी मैं मुश्किल में हूँ तो मैं गन में इसलिए मैं रखता हूँ. और मेरे गन का लाइसेंस लिया है, गन ली है इसलिए मैं कि मेरी सलामती के लिए, मैं दूसरे कोई व्यापारी को कोई दूसरे को हैरान करने के लिए. तो मैं वो लोग आप पर अटैक करने की कोशिश कर रहे थे? अटैक करने की कोशिश इसलिए मैं गन निकाली. वो कोई ऐसा आदमी नहीं था, मेरा जानी दुश्मन नहीं था कोई कि मेरे उसको कोई बबाल नहीं थी. वो चिंता हो गया तो चिंता मेरा मरी. आप लोगों ने कंप्लेंट की कहीं पे पुलिस से या किसी से? समाधान हो गया था बाद में. उसने बोला कि साहब हमारा ये आदमी की गलती हो गई, आप जाने दो, मैं निकल गया. तो बाद में कोई राजनीति वाला उसके पास चढ़ गया कि सीसीटीवी मेरे में आ गया होगा, इसलिए उसने फरियाद की पुलिस को और पुलिस सामने से वो सीसीटीवी मेरे में से ये सब निकाला और इसने फरियाद तो बाद में दाखिल की. आपको लगता है इसमें कोई साजिश है आपके खिलाफ? साजिश तो नहीं होगी, मैं ऐसा नहीं समझता हूँ कोई साजिश होगी, क्योंकि मैं तो वो चिंता नहीं करा. मेरे को प्लानिंग थे सूरत जाने का, मैं राजकोट जा रहा था तो इसके बदले में
सूरत चला गया, मैं तो काम, और कल मेरे को दिल्ली का आना था, मैं सूरत से ट्रेन में दिल्ली आ गया। मांग की जा रही है कि आपकी जो ये हरकत थी उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी एक्शन ले और आपके खिलाफ कुछ कार्रवाई की जाए। नहीं नहीं, कांग्रेस कोई मेरे ऐसी मैंने हरकत की भी नहीं है, ये तो सब मीडिया वाले ने ज्यादा जगा दिया, ऐसा कोई बनाव भी नहीं है। और मेरे गन में निकाली तो गल में गोली भी नहीं थी, मैं तो मैं सलामती के लिए मैं रखता हूँ और हर जगह। अगर उसमें गोली नहीं थी तो सलामती आप कैसे? सलामती देखते हैं ना, डर जाते हैं लोग, डर जाते हैं कि उमला मत करो, इसलिए मेरी गाड़ी में बैठ के निकल गया, दूसरा कुछ नहीं। बिना गोली की थी वो? बिना गोली की थी। तो आपको लगता है आप मतलब अगर मौका पड़ता तो आप और क्या कर सकते थे? मौका करता तो कोई हमारे पर हमला करता तो मेरा सामना तो करना पड़ता, मैं आदमी हूँ, मैं MP हूँ, वो छोटे छोटे लोग है जो 200-500 रुपया का कर्मचारी है, वो कर्मचारी जो हमसे गलत बोलेगा फर्जी है, तो मेरी भी इज्जत है ना, 50 रुपया खोलने का सवाल ही था, तो फर्जी बोले आप बोगस है, आप बोगस MP है, ये बोगस MP उसको बोलने का क्या अधिकार है? मेरे पास मैंने ऐसा कार्ड बताया, मेरा कार्ड ओरिजिनल मैं बताया, तो ये तो ऐसा तो कितना लोग लेके निकलते हैं, मतलब आपने जो किया आप उसको सही मान रहे हैं कि? हाँ, मेरी सलामती से मैंने घर निकाली है, मैंने कोई हमला नहीं किया, किसी को धमकी नहीं दी, और सब मामला उठ गया था, कोई मामला ही नहीं था, उसने बोला कि साहब हमारा आदमी की भूल हो गई, आप निकल जाओ, मैं निकल गया। अगर पार्टी आपके खिलाफ कोई एक्शन लेती है? कोई एक्शन नहीं लेगी, कोई एक्शन नहीं, ऐसा मैंने कोई बनाव नहीं किया, मैंने कोई धार नहीं किया, लूट नहीं किया, किसी को छुरी नहीं मारी है, किसी को झगड़ा नहीं किया है, इसमें पार्टी क्या एक्शन लेगी? ऐसा तो बनाव बनता है, और हमारी सलामती में कल बनाओ घुस बस बने तो भी मेरे गन लेकर निकलना पड़ता है, मैं सिक्योरिटी वाला कोई नहीं रखता हूँ, मेरे आगे कोई पुलिस वाला नहीं बैठा है कि जो मेरी सलामती करे, मैं ही खुद अपने अपने। अंतिम सवाल है, आपको नहीं लगता कि आपको पुलिस में जाना चाहिए था या कहीं हायर? 200 किलोमीटर दूर है पुलिस में, कहाँ जाऊँ मैं पुलिस में? 200 किलोमीटर गाड़ी घुमा के 200 किलोमीटर जाऊँ? आप पुलिस हाईवे पर कहाँ पुलिस है? और हाईवे पर तो आपको मालूम है कि कितनी जगह लूटफाट होती है, बलात्कार होता है हाईवे ऊपर, तो हाईवे पर लोगों की सलामती नहीं है ना, कहाँ? तो सलामती हमारी सलामती, हम भी MP है, हम भी लोक सेवक है, तो हमारी सलामती की मैं हथियार रखता हूँ। लेकिन आप तो MP है, आपके पास हथियार है, जो आम जनता है आप जैसा कह रहे हैं कि 200 किलोमीटर दूर है पुलिस, हाईवे पर बंदा बना लूट होती है, बलात्कार होता है, तो कभी आप सुनते हैं, आप मीडिया में आते हैं, तो उसके लिए कुछ होना चाहिए ना? अब हाईवे पुलिस पेट्रोलिंग भी है, पर वो कहाँ बनाव बनता है तो वहाँ नहीं होती, कब बनाव बनता है, क्या होता है, इसमें सब जगह पुलिस तो आ जाती थी, और पुलिस को बोलो 200 का है, हमारे पास नंबर भी दूसरी पुलिस का नहीं होता। तो विठल भाई, अगर उसमें गोली होती और बाई चांस आपको गुस्सा आ जाता, चल जाता? नहीं, मेरा उसको गुस्सा नहीं आता ना, मैं आदमी हूँ, मैं पागल नहीं हूँ, मेरा गुस्सा आ जाता। तो आपने गुस्से में ही तो गन निकाली थी? नहीं नहीं, गुस्से में नहीं, मैं मेरा रक्षण के लिए निकाली थी, गन ना मैंने कोई उपयोग नहीं किया है, तो बात का वतसर हो गया, ऐसा कुछ बना भी नहीं था, ये राजनीति का मामला, इसे हमारी इलेक्शन चल रहा है गुजरात में, तो सब BJP वाला ने ये सामने से देखकर ऐसे बेफायद दर्ज किया है। तो अगर ऐसा मौका पड़ा तो आप किसी तरह से इसको जायज ठहराएंगे? क्या बोले? अगर दोबारा कभी ऐसा मौका पड़ा तो हम गन हमारे रक्षा संरक्षण के लिए, कभी हमारे जो इलाका में कभी घूमते हैं कोई, रात को भी घूमते हैं, कभी कोई आदमी ऐसा आ गया तो हमारे सामना करने के लिए गन तो निकालनी पड़ती है, हम क्या करें, दूसरा क्या करें, हम हमारे मर्डर हो जाए, कितने राजनीति वाले का मर्डर हो जाता है, अभी हमारे हरेन पंडिया एक्सिक्यूटिव मंत्री उसका मर्डर हो गया, तो उसके बाद हथियारों तो सामना कर सकते हैं, हथियार नहीं उसके सामना करता है, तो हम जब आप ये सजेशन देंगे कि सभी लोगों के लिए ये रूल बने, सबको हथियार रखने की जरूरत है, अगर इस तरह से एक MP के ऊपर खतरा है तो आम आदमी। So there you have it, brazen defiance despite the physical evidence that we have. We have video footage of him really not being threatened, but he however decided to throw his weight around and brandished a gun at an unarmed toll booth operator.